कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.2 इसका हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी, तो देखिए एक बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं और ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी दोनों के बीच का जो कोण है वो 80 डिग्री है, तो कोण POA इसके बराबर होगा, यानी कोण POA ये वाला कोण हमें निकालना है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले जो मैं आकृति यूज कर रहा हूँ वो सिंपल आकृति यूज कर रहा हूँ, जिसमें एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है और ये है केंद्र। इसमें ये 80 डिग्री दिया हुआ है। हमें पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होगा 90 डिग्री, इसी प्रकार से यहाँ स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कोण P बराबर 80 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री और इसी प्रकार से कोण B बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यही रीजन यहां भी आ जाएगा। अब फिर से जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, ये हमारे पास एक चतुर्भुज बन गया, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होगा वो होगा 360 डिग्री, यानी कि कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P ये बराबर होगा 360 डिग्री। कोण A हमें पता है 90 डिग्री हमने अभी निकाला, कोण O हमें नहीं पता, कोण B हमें पता है 90 डिग्री, कोण P हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री के बराबर। तो 90 और 90 180, 180 और 80 260 प्लस कोण O बराबर होगा 360 डिग्री के, यहां से कोण O आ गया 360 डिग्री, 260 इसके साथ प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, कोण O आ गया 100 डिग्री। ये जो कोण O आया है ये आया है पूरा कोण, यानी कि ये पूरा कोण, लेकिन हमें निकालना है ये छोटे वाला कोण, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखें, यदि आप ध्यान से देखें तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? ये लाइन कॉमन है, OA और OB दोनों त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी और कोण A और कोण B 90 डिग्री के बराबर है। तो हम यहां लिखते हैं त्रिभुज OAB सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBP के, और यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके सभी कोण आपस में बराबर होंगे, जिससे कि ये जो कोण एक है यह कोण दो के बराबर आएगा, तो कोण एक बराबर दो और ये किसके बराबर होंगे? कोण O के आधे के बराबर। यहां से कोण एक जो है वो आ गया पूरे कोण का आधा, पूरा कोण हमें यहां निकाला है 100 डिग्री, इसका आधा तो ये कितना हो गया 50, तो कोण एक का नाम था कोण AOP, ये बराबर होगा 50 डिग्री। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है।